हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोसी स्टडी पर। दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल के संबंध में जो स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग में भाग ले चुके थे और अपग्रेड किए थे, या फिर जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हुआ था, यानी कि प्रकाशित नहीं हुआ था या फिर मौका नहीं मिला था, तो ऐसे सभी स्टूडेंट सेकेंड राउंड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम आप लोगों को बता दें, इससे पहले LE और एग्रीकल्चर का सेकेंड राउंड काउंसलिंग समाप्त हुआ था, जिसमें एक सप्ताह का समय लगा था। इसके बाद पैरामेडिकल का फर्स्ट काउंसलिंग आया। इसके बाद आज जो है 27 नवंबर है और आज से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इंजीनियरिंग में जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसका काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। तो अब एक सप्ताह लगभग इसमें समय लग ही जाएगा। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसका लगभग जो है 5 दिसंबर से पहले इसका सेकेंड काउंसलिंग जारी नहीं हो सकता है बिहार पैरामेडिकल का, क्योंकि इसमें अभी समय लग जाएगा। और आप लोगों को पता ही है, थर्ड राउंड का ITI काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी किया था और उसका काउंसलिंग भी समाप्त तो होने वाला है लगभग। तो जो भी स्टूडेंट ITI के हैं तो अभी देख लीजिए डेट आपका किस रोज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, आप उस रोज़ पहुंच करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लीजिए। और दोस्तों, 27 नवंबर आज है, तो आज से जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इंजीनियरिंग का काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ है। तो बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल का सेकेंड काउंसलिंग लगभग जो है 8 दिसंबर या 10 दिसंबर तक में पब्लिश किया जाएगा। तो जैसे ही अपडेट आता है तो हम आप लोगों तक सूचना पहुंचा देंगे, इसलिए आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें। और दोस्तों, जो भी मेरे नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आप WhatsApp ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर सबसे पहले अपडेट आती है और वहां से आप लोगों को सबसे पहले जानकारी भी मिल जाएगी। तो WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा भी मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से ये दोस्तों मिलेंगे आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।